हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर। क्वेश्चन में कह दिया जाएगा सरेंडर ऑफ शेयर है, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। इसके लिए हम जैन खंडवा पारीख का इलस्ट्रेशन नंबर 17 ले रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 33,20,000। बैलेंस शीट में आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 25 लाख, जिसमें से इशूड आपने फिर 25,000 में से सिर्फ 16,000 शेयर इशू किए हैं। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, इसलिए माइनस में दे रखा है। डिबेंचर दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, उसमें इनकम टैक्स एंड ट्रेड एंड जनरल एक्रूड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टोटल हो गया। देन नॉन करेंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म दे रखे हैं। एसेट्स में स्टॉक, डेटर, कैश, बैलेंस शीट का टोटल, ये सब चीज़ें आपको दे रखी है। क्वेश्चन में क्या कहता है, द मशीनरी इज हैवीली ओवर वैल्यूड, कहते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूड आपने कर रखी है, गलत है ये। द डिबेंचर होल्डर हैव ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ देयर क्लेम इन कंसिडरेशन ऑफ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द शेयर कैपिटल, कहते हैं कि उनको प्रिपेयर किया गया कि वो शेयर कैपिटल में चेंज कर लें। अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड, एक स्कीम बनाई गई एंड ड्यूली कन्फर्म्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने कंफर्म कर दिया 31 मार्च 2016 को। द सेलियंट फीचर ऑफ द स्कीम आर एज फॉलोज। नंबर वन, ईच इक्विटी शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इन टू 20 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच। सब डिविजन करना है, शेयर को 5 का बनाना है, यानी 100 रुपए का जो एक शेयर है वो 20 शेयर 5 रुपए के में बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो अब 20 शेयर हो जाएंगे 5 रुपए का एक है। टोटल 100 ही, 20 × 5 भी तो 100 ही होता है। तो टोटल शेयर कैपिटल आपकी कितनी थी वो अपन देखें, इक्विटी शेयर थे आपके 16 लाख के, तो वो 16 लाख के रहेंगे। बस वो जो सब डिविजन होता है उसका यही मतलब होता है कि 100 रुपए का इक्विटी शेयर है 16 लाख का, वो कैंसिल होकर 5 रुपए का इक्विटी शेयर बन गया है, वो 16 लाख ही। बस नंबर ऑफ शेयर जो है वो अब चेंज हो गए हैं, 20 गुना हो गए शेयर, नंबर ऑफ शेयर, है ना, क्योंकि 100 रुपए के एक शेयर को 5-5 रुपए के 20 शेयर में बना दिया। अब आगे लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शेल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ देयर इक्विटी शेयर होल्डिंग। हर शेयर होल्डर अपना 95% पैसा सरेंडर करने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है, फॉर द पर्पस ऑफ रीइशू टू डिबेंचर होल्डर, जिससे कि हम डिबेंचर होल्डर को रीइशू कर सकें, एंड क्रेडिटर, और क्रेडिटर को दे सकें, सो फार एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत हो, एंड अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन, और अदरवाइज हम उसको कैंसिल करवा लें, यानी डिबेंचर को दे दें, क्रेडिटर्स को दे दें, और बाकी का कैंसिल करवा लें, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा उसको देखें। अब हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को कहेंगे तुम अपना पैसा छोड़ो, जिससे कि वो पैसा कहाँ आ जाए, शेयर सरेंडर्ड में आ जाए, सही है। इस शेयर सरेंडर का आप क्या यूज करोगे, वेरियस इश्यूज करने में, जो कि क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर इशू करने में, या फिर इक्विटी शेयर इशू करने में इसका यूज किया जाएगा। उसके बावजूद शेयर सरेंडर में कुछ अगर बच गया तो वो आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं पर नॉर्मली ऐसा होता है। फिर कैपिटल रिडक्शन का यूज किया जाएगा वेरियस लॉसेस को राइट ऑफ करने में। उसके बावजूद कैपिटल रिडक्शन में कोई पैसा बच गया तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दिस इज द होल प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो। तो हमारे एंट्री नंबर 2 में 90% पैसा जो है, 95% पैसा इवन उन्होंने छोड़ा है। हम देखें कैसे छोड़ा, 5 रुपए का 100 रुपए के शेयर को 5 रुपए का बनाया 16 लाख, अब उसको डेबिट किया जिससे वो कैंसिल हो जाए, और उसका 95% पैसा, 16 लाख का 95% 15,20,000 रुपये हमने शेयर सरेंडर में डाल दिया, सही है, 15,20,000 रुपये, 16 लाख का 95%। तो ये 95% पैसा शेयर कैपिटल से कैंसिल होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो शेयर सरेंडर में कितना रुपये आ गया, 15,20,000 रुपीज़ आपके आ गए। आगे क्या लिखता है, थर्ड पॉइंट में लिखा है, ऑफ दोज सरेंडर्ड
92,000 शेयर ऑफ 5 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंट शेयर, प्रेफरेंट शेयर 5 रुपये का। इस शेयर सरेंडर में से हमने 92,000 शेयर 5 रुपये का एक प्रेफरेंट शेयर इशू कर दिए, इस पैसे का यूज़ किया हमने, और 92,000 शेयर थे 5 रुपये का एक, तो ये आपका होता है 4,50,000। ये पैसा आपने इसमें यूज़ कर लिया शेयर सरेंडर से, शेयर सरेंडर से पैसा निकाला और प्रेफरेंट शेयर इशू कर दिए, इसीलिए एंट्री की है शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट किया था ना, अब वहाँ से पैसा निकाला तो उसको डेबिट किया और किस में डाल दिया, 28% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंट शेयर कैपिटल 4,60,000। सही है। आगे लिखा है द डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 460। डिबेंचर होल्डर का जो टोटल क्लेम है 460 से रिड्यूस कर दिया गया। दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय द इशू टू डेम, और उनको वो प्रेफरेंस शेयर जो ऊपर इशू किए थे ना वो उनको दे दिए, तो उनको पहले तो डिबेंचर होल्डर को रिड्यूस करना है। देखें मतलब यहाँ कहने का मतलब समझे कि पहले तो 460 तक रिड्यूस कर दिया, यानी सारा 460 के ऊपर वाला पैसा गया, 28 लाख के डिबेंचर थे आपके लाइब्रेरी में देखो, और उसको 460 तक ले आए, यानी वो पैसा तो गया, और 460 भी लिखा है दिस विल बी, यानी 460 के लिए कह रहा है दिस विल बी सेटिस्फाई, यानी इसका भी पेमेंट कर दिया गया, कैसे, उनको प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए। तो कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि जो डिबेंचर होल्डर है ना वो अपने 28 लाख रुपए छोड़ रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, और इनको पार्टली सेटिस्फाई करने के लिए ये 4,60,000 है, ये 4,60,000 के जो शेयर हैं प्रेफरेंस शेयर ये वाले, ये इनको दिए गए हैं, पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए मैंने डैश डैश किया है कि ये 28 लाख यहाँ दिलवा दिए और यहाँ से शेयर इशू कर दिए, ये इन्हीं को इशू किए गए, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो देखो डिबेंचर होल्डर का पैसा 28 लाख कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ये नेक्स्ट एंट्री में यहाँ कर भी रखा है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 28 लाख। सही है, कर रखा है। और शेयर जो इनको प्रेफरेंट शेयर देने थे शेयर सरेंडर से, उसकी एंट्री तो अपन एंट्री नंबर 3 में पहले ही कर चुके हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंट शेयर। तो बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ है, ध्यान से समझनी पड़ेगी। द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स टू बी सेटिस्फाइड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ, कहता है इसका पेमेंट हम नेक्स्ट 3 मंथ में करेंगे, यानी अभी तो करना नहीं है, तो अभी एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना है। द क्लेम ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स शैल बी रिड्यूस बाई 80%, कहते हैं क्रेडिटर्स को भी 80% कम कर दिया गया, एंड द बैलेंस और जो बचा शैल बी सेटिस्फाई बाय अलॉटिंग देम फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, और बाकी के लिए उनको 5 रुपये का शेयर इशू कर दिया गया फ्रॉम द शेयर सरेंडर, कहाँ से, शेयर सरेंडर से। यानी क्रेडिटर आपके कितने थे, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 9 लाख, और ये 9 लाख ने अपना पैसा छोड़ दिया क्या प्रोडक्शन में, इसीलिए एंट्री की गई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 9 लाख टू कैप प्रोडक्शन। अब इनको पेमेंट कैसे किया, सर इसने तो पूरा छोड़ दिया, हाँ 80% तक तो कम कर दिया और बैलेंस का भी पेमेंट कर दिया, लिखा है ना शैल बी रिड्यूस बाय 80%, 80% तक तो कम कर दिया एंड बैलेंस क्लेम, और बाकी का 20% भी पे कर दिया। वो कैसे पे किया, 9 लाख का 20% यानी होता है 1,80,000, उसके लिए इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए, कहाँ से, शेयर सरेंडर से, 9 लाख का 20% दैट इज 1,80,000। तो 1,80,000 का पेमेंट किया गया, कैसे, शेयर सरेंडर से इशू करके, तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ये देखो ये नेक्स्ट एंट्री है, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, वो भी यूज कर लिया गया। नाउ शेयर सरेंडर्ड में अब कितना पैसा बचा उसको देखना है, शेयर सरेंडर्ड में रुपए आए थे 1,520 में से 460 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, 180 ये इशू कर दिया, बाकी बचा 1,520 माइनस 460 माइनस 180, बाकी बचा 8,80,000, और ये कहाँ जाएगा, कैप प्रोडक्शन में, एंट्री होगी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैप प्रोडक्शन 8,80,000। ये रहा शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैप प्रोडक्शन 8,80,000। आप चाहो तो इन सबकी इंडिविजुअल एंट्रीज कर सकते हो, समय बचाने के लिए इसमें कंबाइंड की गई है, तो ये भी हो गया। नाउ अगर कोई लॉस है तो राइट ऑफ कर दे, तो क्वेश्चन में कहा गया है
शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट रीशूड शैल बी कैंसिल, शेयर सरेंडर को कैंसिल कर दिया 8,80,000 को, और कुछ कहा नहीं है। तो अब बैलेंस शीट में ऐसा क्या है जिसको कि हम राइट ऑफ कर सकते हैं? तो बैलेंस शीट में देखो, एक तो पीएल का डेबिट बैलेंस है 21,40,000, एक तो इसको राइट ऑफ कर दें, फिर भी पैसा बचे। तो क्वेश्चन में कहा गया था फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, द मशीनरी इज हैवीली ओवर वैल्यूड, यानी इसको भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटेक्शन में कितना रुपया हो गया, देखो कैपिटेक्शन में 880 तो ये आए, 28 लाख ये आए, 9 लाख ये आए, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो था लाइबिलिटीज में, डिबेंचर होल्डर ने वो क्लेम भी छोड़ा है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का भी पेमेंट कर वो कैंसिलेशन कर देंगे। और ये था लाइबिलिटीज में देखो 1,40,000, ये भी कैपिटेक्शन में आ गया। कुल मिलाकर कैपिटेक्शन में 47,20,000 आ गया। यहाँ अब 47,20,000 है, इसका यूज़ जो हम करेंगे, एक तो पी एंड एल को राइट ऑफ करेंगे जो कि है 21,40,000, और रिमेनिंग का यूज़ हम करेंगे मशीनरी को राइट ऑफ करने में। तो देखो कैपिटेक्शन में 47,20,000 था, उसमें से पी एंड एल को राइट ऑफ कर दिया अपन ने, सही है, और बाकी का जो अमाउंट है वो हमने यूज़ किया है जो कि बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल रहा है, वो हमने मशीनरी को राइट ऑफ करने में यूज़ कर लिया, सही है। तो जब हमने इस पैसे का यूज पी एंड एल में कर लिया और बैलेंसिंग फिगर का मशीनरी में कर दिया, तो कैपिटेक्शन में कोई पैसा बचा ही नहीं, तो जब बचा ही नहीं तो कैपिटेक्शन में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। तो थीम क्या रही कि शेयर कैपिटल का पैसा जो है वो कैंसिल कराकर शेयर सरेंडर में लाओ, और उस पैसे का यूज़ करो प्रेफरेंस शेयर इशू करने में और इक्विटी शेयर इशू करने में। और ये प्रेफरेंस शेयर हमने किस लिए इशू किए, डिबेंचर होल्डर को उसका कुछ क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए, और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमने क्या इशू किए, ये इक्विटी शेयर इशू कर दिए, है ना। उसके बाद शेयर सरेंडर में रुपया बच गया 880, 1520 में से ये चला गया, बाकी बचा 880, ये 880 कहाँ गया, कैपिटेक्शन में 880 यहाँ से आया, 28 लाख यहाँ से आया डिबेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से आया 9 लाख रुपये, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से आया 140, टोटल हो गया 4720। इसका यूज़ हमने किया पेड़ को राइट ऑफ करने में, और फिर भी पैसा बचा तो उसको मशीनरी जो कि हैवीली ओवर वैल्यूड थी उनको राइट ऑफ करने में काम में ले लिया। नाउ अब आपकी बैलेंस शीट जो है वो इजीली बन सकती है, तो अपनी बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बन जाएगी। ऑथराइज कैपिटल है उसके लिए तो उन्होंने कह दिया था, सबसे लास्ट लाइन में ये रहा, कहता है ऑथोराइज कैपिटल शैल बी कंसिस्टेड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच एंड 2,50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 ईच। ये देखो ऑथोराइज में तो यही दिखाया है। नाउ इशूड कैपिटल जो है वो आपकी 52,000 ही बची है 5 रुपये की, जब आप कैलकुलेट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 92,000 है 5 रुपये की। एक क्रेडिटर फॉर इनकम टैक्स हमने कहा हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, बैलेंस शीट आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग तो सेम है, मशीनरी आपने राइट ऑफ कर दी थी तो कम हो गई तो अब इतनी बची। इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ है, स्टॉक एज इट इज़ है, डेटर एज इट इज़ है, कैश एज इट इज़ है, और बैलेंस शीट का टोटल जो है वो आपका आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार आप लिख के करें, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आएगा। ओके, थैंक यू।